शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरे कैबिन में आओ जी। सलाम साहब। बैठ। यह वर्दी इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है मैनेजर साहब। फिर मैनेजर साहब देख, दुनिया के सामने भले ही मैं तेरा मैनेजर हूं, लेकिन दोस्ती की दुनिया में मैं तेरे एहसानों का कर्जदार हूं। एक तो वैसे ही आते जाते सलाम करके दिल पे वार करता है, ऊपर से मैनेजर बुलाता है। चल बैठ बैठ। एक दरबान इसके अलावा और कर भी क्या सकता है साहब। अरे तुझे खबर भी है, तेरी बेटी और मेरा बेटा एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं चाहता हूँ कि उन दोनों। आप फिक्र मत कीजिए मैनेजर साहब, मैं अपनी बेटी के कदमों को रोक दूंगा। अरे पागल, नसीब ने नई करवट ली है। उन दोनों की मोहब्बत जल्द ही हमारी रिश्तेदारी में बदलने वाली है। ये विधि का लेखा है जिसे ना तू बदल सकता ना मैं। बोल बोल, तुझे रिश्ता मंजूर है? बोला कभी ये बैंक मैनेजर मेरे घर की रोटियों पे पलने वाला कुत्ता था कुत्ता, और आज मैं कुत्ते की तरह बैंक के दरवाजे पे खड़ा हूं। जब जब भी उसे सलाम करता हूं ना, तो मेरे खून में चिंगारी सुलगने लगती है। जी चाहता है कि उसका गला घोंट दूं। मगर अब तो तुम उसकी रिश्तेदार बनने वाले हो। रिश्ता तो मुझे मेरी तकदीर का ताला खोलने वाली चाबियों से करना है, बैंक की तिजोरी की चाबियां। एक बार वो चाबियां मेरे हाथ लग जाए तब मैं किसी के हाथ नहीं लगने वाला। सदा सौभाग्यवती रहो। अरे भाभी, भाई साहब कहाँ गए? यही तो थे, यही कहीं होंगे। ये लो आ गया मैं। अरे कहाँ चले गए थे भाई? अरे भाई लड़की का बाप हूँ, दहेज के रुपए गिनने गया था। अच्छा तो मैं तुमसे दहेज लूंगा? लड़के का बाप हूँ, एक पैसा नहीं लूंगा। चलो बच्चों को आशीर्वाद दो। आओ बेटा, आओ। जीते रहो। शाबाश भाभी, मुन्नी आज से हमारे घर की बहू हो गई। अब जब किशन बालिग होगा तब मंगलसूत्र पहनाकर अपनी पत्नी को तुम्हारे घर से ले जाएगा। मैं उस दिन के लिए बेसब्री से इंतजार करूंगी। अरे सकू भाई। सलाम साहब। सलाम, सलाम। अरे वहाँ पीछे एक जानवर मरा पड़ा, तू यहाँ क्या कर रही? अच्छा जी, अत्ता भक्ति में। जा जा देख देख देख। जाइए। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, दो चार फोन आ चुके हैं बैंक से। हो गया मौत का सामान तैयार। इसी में कि आप ये शहर छोड़कर चले जाइए, वरना ये दरिंदे आपको जीने नहीं देंगे। कहीं भी किसी भी छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, अपनी खातिर न सही किशन की खातिर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो
अपना ख्याल रखिए भाभी जी, चिट्ठी लिखिएगा। जाओ बेटा जाओ। सावित्री बहन कहाँ है? पिताजी मुन्ना कहाँ है? बेटी वो लोग चोर थे, इसलिए उन्हें यह शहर छोड़कर भागना पड़ा। अब उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, भूल जाओ। पिताजी क्या किशन भी चोर है? हाँ किशन भी चोर है, चोर का बेटा, चोर, चोर का बेटा, चोर, चोर का बेटा, चोर, चोर का बेटा। हालत में सब कुछ खत्म हो गया भाई साहब। नहीं सावित्री, तुम इस गांव की बेटी हो, सारा गांव तुम्हारे साथ है। आओ बेटे आओ। आओ मुन्नी, मेरे खत का जवाब जरूर देना। ये अदालत कैलाशनाथ वंत बद्रीनाथ को बैंक के 50 लाख रुपए गबन करने के जुर्म में उम्र कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। डाक चाचा, मेरी चिट्ठी का जवाब आया? नहीं बेटा, वो लोग तो लापता हैं, उनका कोई जवाब नहीं। तुम्हारा खत वापस आया है। बहनों और भाइयों, आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे गांव में साइकिल दौड़ होने जा रही है। ये एक अनोखी साइकिल दौड़ है जिसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए साइकिल सवार कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकता है। कच्चा रास्ता, पक्का रास्ता, पगडंडी, नदी नाले, मकसद सिर्फ एक है, विजय चिन्ह तक पहुंचना। पिछले 3 वर्षों से ये रेस हमारे गांव का नौजवान जीतता चला आ रहा है। उस नौजवान का नाम है कुछ भी कहो, किशन तो इस गांव की शान है, वो तो हर लड़की के दिल का अरमान है। वो तो मेरी रानी का राजा है, हमरा होने वाला दामाद है। हर साल ये रेस जीतता है, साला सचमुच अपने आप को किशन कन्या समझता है। सभी गोपियां इस पे मरती हैं। किशन भैया सुनो, आज इसे इस रेस में लड़का देते हैं। 1, 2, 3
ईद मुबारक। मैं चाहूंगा मेरी जीत का इनाम मेरी माँ के स्वीकार करें। ये क्या माँ, तेरे पलकों पे ये मोती किस लिए? काश आज ये दिन देखने के लिए तेरे पिताजी जिंदा होते। किसका इंतजार कर रहे हो कैलाशनाथ? हालात की आंधी में बिछड़े हुए अपनों का, जिनके मिल जाने का यकीन आज भी दिल में जिंदा है। भाई साहब, यहाँ सावित्री देवी रहती हैं। अरे साहब, मैं इतने बरसों से रहता है, इतने कोई सावित्री होती नहीं रहती। और जाना अपना काम करो जाके। लेकिन सक्कू भाई साहब, साहब आप, साहब सक्कू भाई, मेरी बीवी, मेरा बच्चा सब कहाँ है? मेरे दिल के ऊपर बरसों से एक बोझ था, मैं मरने के पहले वो उतार देगी साहब। मैं आज दिन तक डर के मारे किसी को कुछ भी नहीं बोली साहब, पर आज तुम्हारा सस्ता सांगदार उसी साहब, वो जो आपका दोस्त, वो जो बैंक में वॉचमैन होता, वो वाला होता, हमको झूठ बोल के बंगले के पीछे जाने को बोला। हम जाते जाते ऐसे छोड़ के देखा साहब। पर मैं आपको एक बात बोलती, आपको मारने की कोशिश करने वाला आपका वो ही दोस्त है साहब। हाँ साहब, मेरी पीठ में छुरा घोंपने वाले, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तिनके की तरह बिखेर कर रख दूंगा तेरी दुनिया को, तेरे परिवार को। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये स्वागत समारोह उस हस्ती के लिए रखा गया है जो लंदन में एक कामयाब बिजनेसमैन थे और आज हमारे शहर के मेयर चुने गए हैं। मैं श्री शंकर दयाल खुराना को इस मौके पर बधाई देता हूं। ये ले मां, प्रसाद। ये तो भाई साहब की तस्वीर है। अरे हाँ, ये तो मुन्नी के पिताजी हैं। जरा पढ़ तो क्या लिखा है। शंकर दयाल रायगढ़ के नए मेयर चुने गए। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। तू मुझे खुश देखना चाहता है ना, तो जा शहर से मेरी बहू ले आ, इस घर की अमानत ले आ। मेरी ये इच्छा पूरी करेगा ना? हाँ माँ, आज जिंदगी में पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा है, मैं उसे जरूर लेके आऊंगा। मैं तेरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा माँ। जीते रहो बेटे, शारदा भाभी और भाई साहब को मेरा नमस्ते कहना। हाँ, और ये लड्डू देना, बिल्कुल भूलना नहीं। हाँ, माँ। हाँ, और अपना ख्याल रखना। माँ तू अपना ख्याल रखना। अरे तू मेरी फिक्र छोड़, अपना ख्याल रख। चल चल, मैं जाता हूँ माँ। अरे आई मौसी, अरे तेरी अकल पर पत्थर पड़ गए जो गाँव की हरियाली छोड़कर शहर जा रहे हैं घास काटने। तुम ही बताओ बहन, हमारी बिटिया में क्या कमी है? मौसी, तुम्हारी बिटिया में कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी घंटी नहीं बजती ना। अरे बज गई घंटी। मेरी नहीं बजती। अच्छा मैं चलता हूँ। मुन्नी, अब तुम्हारा मुन्ना जवान हो चुका है। बिल्कुल बदल चुका हूँ, हैंडसम हो गया हूँ, लेकिन मुझे यकीन है तुम नहीं बदली होगी।